स्टूडेंट्स, बच्चों अडेप्टेशन इन प्लांट्स के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि हैबिटेट क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है और टेरिस्टल प्लांट्स के टू टाइप्स हमने जाने, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड प्लांट्स इन प्लेन्स। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब आगे का चैप्टर हम पार्ट टू में समझेंगे, ओके? अब बच्चों हम बात करेंगे प्लांट्स इन हॉट एंड वेट प्लेसेस, यानी यहाँ के जो एरियाज होते हैं वहां पे जो सीशोर होता है ना, समुद्र के किनारे वाले जो होते हैं वहां पे जैसे आपने देखा है कोकोनट वगैरह के प्लांट्स होते हैं ना खूब लंबे लंबे, और वहां पे मौसम हमेशा एक जैसे रहता है, यानी एवरग्रीन मौसम रहता है, तो वहां के प्लांट्स भी एवरग्रीन होते हैं, जैसे कोकोनट, पाम, शुगर केन, रबर। ये तो बहुत आसान सा था। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट। प्लांट्स अब देखो डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है वहां की जो पत्तियां होती हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स की पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है, स्पाइन्स। स्पाइन्स माने पत्तियां जो होती है वो कांटों में चेंज हो जाती है, और जो स्टेम होता है स्टेम वो कैसा हो जाता है, फ्लैशी, मोटा और ग्रीन हो जाता है। स्टेम कैसा हो जाता है, फ्लैशी, स्टेम फ्लैशी और ग्रीन हो जाता है। अब आपने सोचा क्यों हो जाता है, पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है, पत्तियां कांटों में इसलिए बदल जाती हैं जिससे कि उनमें एवेपोरेशन भी कम होगा, यानी जो मैंने आपको बताया था वेपर्स बन के पानी उड़ता है वो भी कम होगा, और दूसरा प्लांट जो स्टेम जो होता है वो फ्लैशी और ग्रीन क्यों हो जाता है, जिससे कि उनमें आसानी से फोटोसिंथेसिस हो जाए और वो अपना खाना बना ले। दूसरा, अब देखो कितनी तेज होती है, कितनी चालाक होती है पत्तियां, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, तो जो सारा वाटर, मोस्टली जो वाटर होता है स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है। वाटर क्या होता है, स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है। रूट्स जो होती काफी डीप नीचे तक, यानी डीप रूट, यहाँ पे जो प्लांट्स की रूट होती है वो कैसी हो जाती है, डीप रूट चली जाती है, जिससे कि पानी नीचे से, क्योंकि आपको पता है रूट का काम क्या होता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, ताकि वो मिनरल्स वगैरह जो है प्लांट्स को दे सके। तो जो जो ये प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी क्या हो जाती हैं, डीप चली जाती हैं। प्रिकली पियर, ये सभी डेजर्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट इन मर्शी। मर्शी का मतलब जानते हो क्या, दलदल वाली जगह होती है। अब आप सोचो दलदल वाली जगह में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एयर की कमी हो जाएगी, तो फिर प्लांट सांस कैसे लेगा। अब ये वाले प्लांट्स अगर मर्शी एरिया में रहेंगे तो प्लांट सांस कैसे लेगा, मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो मर्शी एरियाज में रहते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं ना उसमें ऐसे करके निकल आती हैं, मैंने आपको बताया ना रूट्स ऐसे स्टेम के ऐसे टर्न हो जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, ताकि वो सांस ले सके, राइट। इसमें यही लिखा है रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो आउट फ्रॉम द सॉइल, जिसमें रूट्स जो होती है प्लांट्स की ऊपर मिट्टी से ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। द रूट्स दैट ब्रीथ फ्रॉम द एयर, ताकि वो बाहर की जो एयर है उससे सांस ले सके, इसलिए हम इनको न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री फ्लोटिंग। तो इनकी पत्तियां कैसी होनी चाहिए, स्पंजी माने लाइट वेटेड हो जाती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्पंजी जानते हो ना, स्पंजी कैसा होता है, लाइट वेटेड होता है, ताकि विच हेल्प देम टू रिमेन ऑन द सरफेस, जिससे कि ये पानी की सरफेस पे आसानी से तैर सके। इसके एग्जांपल्स वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया, वुल्फिया, डकवीड, राइट। फिक्स्ड प्लांट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड प्लांट्स, या तालाब में या नदी में ये प्लांट्स होते हैं, उनकी जो नीचे से क्या होती है, फिक्स्ड होते हैं, और जो उसकी लीव्स होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। अब सोचो अब ऐसे प्लांट्स में क्या होगा भाई, फिक्स रहना इनको, तो जो इनका स्टेम होता है वो कैसा हो जाता है, होलो हो जाता है, होलो माने खोखला,
यानी ऐसे प्लांट्स के जो स्टैम होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, और जिससे इनके अंदर क्या भरी रहती है, एयर। एयर भरने से क्या हो जाएंगे, फिर लाइट वेटेड हो जाएंगे, इज इट क्लियर। और पत्तियां कैसी हो जाएंगी, ब्रॉड चौड़ी। पत्तियां कैसी हो जाती है, ब्रॉड लीव। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ब्रॉड लीव होंगी, जैसे कि आसानी से वो फ्लोट कर सके। तीसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो ब्रीथ में सांस लेने में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। तो अब बेटा क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती है ना, जैसे ये लीव्स होती है, तो स्टोमेटा इसकी केवल ऊपरी ऊपरी जो सरफेस होती है उसी पे मिलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे, स्टोमेटा जो होते हैं ऊपरी सरफेस पे मिलते हैं, नीचे वाली सरफेस पर नहीं मिलते। वैक्स का मतलब आप समझते हो चिकनाई, मतलब आप कभी देखना एक ही पत्ती है ना, चिकनी चिकनी गिली सी मिलेंगी और मोटी मोटी सी मिलेगी, ताकि वो आसानी से उस पे पानी के ऊपर बनी रहे और वो गले नहीं, तो इनके से कवर्ड होती है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। लोटस है, वाटर लिली, इन प्लांट्स की एग्जांपल्स है। अब हम बात करेंगे अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर माने अंडर वाटर प्लांट्स को हम एक क्या दूसरा नाम बोलते हैं, सबमर्स्ड प्लांट्स। या आप देख लीजिएगा अंडर वाटर प्लांट्स का दूसरा नाम है सबमर्स्ड, सबमर्स्ड प्लांट्स भी कहते हैं, राइट। सबमर्स्ड का मतलब जो पानी के बिल्कुल नीचे रहते हैं, इन प्लांट्स को हम कहते हैं सबमर्स्ड प्लांट्स। अब बेचारे पानी के एक तो नीचे पत्तियां होती है बिल्कुल रिबन जैसी पतली लंबी हो जाती है, इनकी पत्तियां कैसी हो जाती है बेटा, इस तरीके से पतली, सोचो RIEEO रिबन लाइक लीव्स हो जाती है, राइट। इनकी जो लीव्स होती है रिबन लाइक लीव्स हो जाती है, सो दे डू नॉट टियर बाय द फोर्स ऑफ फ्लोटिंग। अब पानी का बहाव तो बहुत तेज होता है, अब मान लो कोई चौड़ी पत्ती होगी तो पानी के बहाव के तेज से कट कर जाएगी, टूट जाएगी। अब जो ये रिबन लाइक है, ऐसे पतली पतली रिबन लाइक होती है, तो जब पानी का बहाव तो बहुत तेज होता है, तो इससे इन पत्तियों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए अपने इन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया, रिबन लाइक बना लिया। सच प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा, और ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, इसलिए जो सांस लेती हैं अपनी ही बॉडी से लेती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, टैप ग्रास बिल्कुल बेटा ऐसी होती है, बिल्कुल पतली पतली रिबन जैसी होती है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, राइट। बच्चों अडेप्टेशन इन प्लांट्स का जो लास्ट टॉपिक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स को, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।